हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऊजीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं दाल पंचमेल। इसे पंचरत्न दाल भी कहा जाता है। इसे पांच दालों को मिक्स करके बनाया जाता है और ये बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में एक चौथाई कप तुअर की दाल ले लेंगे, उसमें एक चौथाई कप मसूर की दाल ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें एक चौथाई कप उड़द की दाल ऐड करेंगे। अब हम इसमें एक चौथाई कप चने की दाल ऐड करेंगे और उसके साथ ही हम इसमें एक चौथाई कप मूंग की दाल ऐड करेंगे। हमने सभी दालों को इक्वल क्वांटिटी में लिया है। अब हम इन सब दालों को अच्छी तरह से दो से तीन बार धो लेंगे। मैंने दाल को धो लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करके दाल को भीगने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर 3 कप पानी ऐड किया है। हमें दाल को कम से कम आधे घंटे के लिए भिगो के रखना है। आप 2 घंटे तक इसे भिगा के रख सकते हो। मैंने 1 घंटे के लिए दाल को भिगो दिया था। आप देख सकते हैं दाल कितनी अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब हम इसे कुकर में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम कुकर में पानी ऐड कर देंगे। हमें पानी दाल के लेवल तक चाहिए। मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। दाल को उबालते वक्त मैं नमक ऐड नहीं करती। अब हम मीडियम फ्लेम पे दाल को 2 सीटी दे देंगे। 2 सीटी आने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अपने आप कुकर का प्रेशर निकलने देंगे। आप देख सकते हैं कुकर का पूरा प्रेशर निकल चुका है और हमारी दाल भी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम उबली हुई दाल को साइड में रख देते हैं और दाल का तड़का रेडी करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे या एक पैन और उसमें 3 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम उसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और जीरे को पकने देंगे। जैसे ही हमारा जीरा पक जाएगा हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन ऐड करेंगे चॉप करके। इसमें अदरक लहसुन चॉप करके अगर आप ऐड करोगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमें अदरक और लहसुन को तब तक पकाना है जब तक उसका कच्चापन निकल जाए। हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इन्हें। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च ऐड कर देते हैं चॉप की हुई और उसके बाद हम इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज ऐड कर देंगे। हमें प्याज को भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस तब तक पकाना है जब तक उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे ही प्याज थोड़े से ब्राउन होने शुरू होंगे हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज का टमाटर चॉप करके ऐड कर दिया है। हमें टमाटरों को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाएंगे कि हल्के से उनका कलर चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं टमाटर मैंने ज़्यादा नहीं पकाए हैं। ये स्टेज पे हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। मैं 1 टीस्पून के आसपास ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। इसके बाद मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी
और एक टीस्पून गरम मसाला ऐड करूंगी। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकाएंगे। आधे मिनट में ही हमारे जो मसाले हैं वो पक जाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं ऐड करना है तो मत कीजिए, बट इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हम अभी थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं और बाद में भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमने जो दाल उबाल के रखी थी। थोड़ी गाढ़ी हो गई है ये। दाल को सभी मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो दाल की रंगत ही चेंज हो चुकी है। दाल ऑलरेडी पकी हुई है तो ज़्यादा दाल को पकाने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम दाल में एक बॉईल आने देंगे। आप दाल को हाई फ्लेम पे एक दो मिनट पकाओगे, उतने में ही दाल में अच्छे से बॉईल आ जाएगा। अगर आपको गाढ़ी दाल पसंद है तो इसमें आपको पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दाल को थोड़ा पतला करना है तो ये स्टेज पे मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर एक कप गर्म पानी ऐड किया है, आप भी गर्म पानी ही यूज़ कीजिए। पानी ऐड करने के बाद मैं फिर से दाल को एक बार मिक्स कर लूँगी और एक बॉईल आने दूँगी। दाल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। हमारी दाल पंचमेल अब तैयार है। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हो, लेकिन मैं इस पे एक तड़का देना पसंद करती हूँ। आप भी तड़का दीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके लिए एक छोटा सा पैन ले लेंगे और उसमें हम एक टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे एक चौथाई टीस्पून हींग, घी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो मैंने गैस बंद कर दी है। अब हम इसमें तीन सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, ये बहुत क्रिस्पी हो जाएगी फ्राई होने के बाद और दाल में बहुत टेस्टी लगती है। अब हम इसमें 10 से 15 कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे और हमारा तड़का अब तैयार है। इसको साइड में रख देते हैं और दाल के ऊपर इसे डालते हैं। मैंने दाल के ऊपर तड़का ऐड कर दिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा तड़का मैं सर्व करते वक्त ऐड करूँगी। ये बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत हेल्दी, इसमें बहुत सारी दाल है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।